सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का तीसरा कॉन्वोकेशन एक्सपो सेंटर कराची में मुनक्किद किया गया। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए एजाजी मेहमान प्रो चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी और वजीर आला सिंध के मुशीर निसार अहमद खुहरो ने कहा कि जिस तरह सिंध मदरसतुल इस्लाम से बहुत बड़ी शख्सियात पैदा हुई और उन्होंने नाम रोशन किया, इसी तरह आज डिग्रियां हासिल करने वाले तालिबिल्म भी आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सिंध मदरसतुल इस्लाम एक खास हैसियत रखता है, यहां जो जो भी पढ़े उन्होंने क्या क्या नाम कमाया, कैद आजम से शुरू होते हैं और पता नहीं कौन कितने बड़े मोतबर नाम। निसार अहमद खुहरो ने सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी अनथक जिद्दोजहद के बाइस ये इदारा आज जामिया के दर्जे तक पहुंचा है। दुनिया को चैलेंज करें, पाकिस्तान चैलेंज कर सकता है, ये सिंध मदरसतुल इस्लाम भी चैलेंज कर सकता है, हम हैं साथ, हम हैं आपके साथ, हम आपकी जुस्तजी की कदर करते हैं, वाइस चांसलर साहब के इनोवेटिव आइडियाज की कदर करते हैं, वाइस चांसलर के एफर्ट्स की कदर करते हैं। सिंध के वजीर इत्तला'आत सईद गनी ने डिग्रियां हासिल करने वाले तालिबिल्मों को मुबारकबाद दी और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। सिंध मदरसतुल इस्लाम की एक इनफरादियत ये है कि इस स्कूल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की है, तो आप जहाँ जहाँ अपनी तालीम का जिक्र करेंगे, किसी को बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बात बाएं से फ़ख्र होगी कि आपने उसी इदारे से तालीम हासिल की जिस इदारे से बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की है, और ये एजाज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए कम नहीं होता, बहुत बड़ी बात है ये। मोहम्मद अली शेख साहब की जब से वो यहाँ आए हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम में, उन्होंने काफ़ी काविशें की हैं कि इस इदारे को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और उसके नताइज नज़र भी आ रहे हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शेख ने तकरीब से खिताब में तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज का दिन न सिर्फ तालिब इल्मों के लिए बल्कि इनके वालिदैन के लिए भी एक अजीम और यादगार दिन है। अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। कि उन्होंने आज न सिर्फ डिग्री हासिल की बल्कि आज सिंध मदरसा से डिग्री हासिल करने की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हम मकतब कहलाने का भी उनको फ़ख्र हासिल हुआ। और मैं वालदेन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को आपने तालीम दिलवाई और अपने इसी जज्बे को हमेशा जारी और सारी रखें। कॉन्वोकेशन में 92 ग्रेजुएट्स और 195 अंडर ग्रेजुएट्स को डिग्रियां तफवीज की गईं। कॉन्वोकेशन में 7 तालिबिल्मों ने गोल्ड मेडल और 5 ने सिल्वर मेडल हासिल किए, जिनमें 7 तालिबात और 5 तलबा शामिल हैं।